आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहे हैं। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रिसेंटली ओपन हुए वेदवन पार्क का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि नोएडा सेक्टर 78 में है। सो गाइस, मैं पहुंच जाता हूं पार्क के मेन गेट के पास। यहां पे आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 के पास, और गाइस मैं इंटर करता हूं। और आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, बिकॉज आज संडे है इस वजह से। और यहां पे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो हमारे संस्कृति के जो 4 वेद हैं, उनके बारे में यहां पर डिटेल में लिखा हुआ आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और आज का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग आए हैं, क्राउड है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेक है, इसमें लेजर शो होता है शाम के 8 बजे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषि अगस्त्या के बारे में लिखा हुआ है पूरी डिटेल में। और गाइस पार्क में ऐसे बहुत सारे ऋषियों के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने वेदों में अपनी भूमिका निभाई थी। और गाइस इधर साइड आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ पाई, जो उसकी वैल्यू के बारे में यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और गाइस इस साइड में देख सकते हैं, ये रहा फाउंटेन और यहीं पर लेजर शो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्क है हमारी संस्कृति पर पूरा बेस्ड है, पूरा धार्मिक पार्क है। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी औषधियाँ हैं उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आज बहुत ज्यादा क्राउड है। और गाइस यहाँ पर ये शो करके दिखाया गया है कि पहले के जो शिष्य होते थे वो कैसे अपने गुरु से ज्ञान को कैसे ग्रहण करते थे, ये शो करके यहाँ पे दिखाया गया है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे शिष्य लोग बैठे हैं। गाइस आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर इस पार्क में जिम भी अवेलेबल है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो अर्थ जैसा कुछ बना है, पृथ्वी जैसा कुछ बना है यहाँ पर। इस पृथ्वी जैसे पर एक गायत्री मंत्र लिखा है, जो आप सही से देखेंगे तो आपको पूरा गायत्री मंत्र यहाँ पर दिखेगा, आप पढ़ भी सकते हैं आसानी से। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड में, जहाँ से लेजर शो अच्छे से दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर की साइड में आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है लेजर शो का, साउंड शो का प्लस। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, आज संडे है। गाइस काफ़ी अच्छा पार्क है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 7, और गाइस अब लेजर शो स्टार्ट होने में मात्र 1 घंटा रह चुका है। सो हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो गाइस 8 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, और I'm going to go to the market.